चैनल और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैंने परी को वॉकर कब से दिया, परी कब से चलने लगे, उस अकॉर्डिंग तो मैं आज आपको वॉकर बेबी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये बताऊंगी। और अगर हम बेबीज को वॉकर देते हैं तो उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बेबी वॉकर के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, ये सब बातें क्लियर करूंगी। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वॉकर के लिए, परी के लिए वॉकर का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। बच्चे खड़े होने लगते हैं ना, उसके बाद बेबीज को वॉकर दिया जाता है। तो हर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वॉकर दे कि नहीं दे। कुछ डॉक्टर्स कहते देना चाहिए, कुछ डॉक्टर्स कहते नहीं देना चाहिए, कुछ लोग भी कहते देना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं देना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए ऐसा कहते वॉकर। तो बेबीज को वॉकर इसलिए नहीं देना चाहिए ऐसे कहते डॉक्टर्स या कोई भी, क्योंकि बेबीज वॉकर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि उनको देखिए चारों तरफ से वो सपोर्ट में रहते हैं। जब हम बेबीज को वॉकर देते उससे पहले वो अगर खड़े रहते हैं और वो अगर गिर जाते तो उनको चोट लगती है, या वो कहीं पे भी मतलब अपने आप पहुंच नहीं सकते, उनको एक तो हम उठा कर लेके जाना पड़ता है या रामते रामते जाते हैं वो, और फिर वहां पे जाके वो खड़े रहते हैं। अगर वहां से गिर जाते तो उनको चोट लगती है। बट अगर हम बेबीज को वॉकर देते हैं तो बेबीज को उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको चाहिए तो वो उठ सकते हैं, उनको चाहिए तो वो वहां पे जहाँ पे भी जाने जा सकते हैं, उनको चाहिए तो वो बैठ सकते हैं, उनको गिरने का डर नहीं रहता है और वो मतलब वो सपोर्ट के सहारे चल सकते। इसीलिए बेबीज फिर वॉकर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं कि हमें अगर कहीं पे जाना है तो हम वॉकर के सहारे जा सकते हैं, तो क्यों हम मतलब गिरे या पड़े ये। तो फिर वो ये ना जब वो वॉकर से बाहर निकलते तो खुद ब खुद चलने की कोशिश नहीं करते, वो हर बार ये बोलते कि हमें वॉकर में बिठाओ, वो हर बार वॉकर की तरफ जाते। इसीलिए कहा जाता है कि बेबीज को वॉकर नहीं देना चाहिए। ये एक पार्ट हो गया। जब मेरा मतलब परी जब खड़ी होने लगी और मेरा परी को वॉकर देने का टाइम आया तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सर्च किया, क्योंकि मैंने भी सुना था कुछ लोग कहते थे वॉकर देना चाहिए, कुछ लोग बोलते थे नहीं देना चाहिए। तब मैं क्या करूँ, ये टाइम आया था तो उस टाइम पे फिर मैंने जो सर्च किया उस अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस वो मैं बता दूँ। तो मैंने ये तो बता दिया आपको कि क्यों नहीं देना है। तो अब अगर हम देखते हैं बेबीज को वॉकर तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बेबीज वॉकर के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, बेबीज को उसकी आदत ना पड़ जाए। अगर बेबीज को उस सपोर्ट के सहारे चलने की आदत पड़ गई तो बेबी फिर खुद ब खुद चलने की कोशिश नहीं करते, फिर ऐसा हो जाता है कि बेबीज उसी के सहारे चलने की कोशिश करते क्योंकि उनमें उसमें वो एकदम कंफर्टेबल बैठ सकते, इस वजह से मतलब बैठ सकते कहीं पे भी जा सकते इस वजह से। तो मैंने किन चीजों का ध्यान रखा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे परी को वॉकर ला के देना था ना, तो मैंने कब ला कर दिया, जब परी खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगी, मतलब 8.5 मंथ में, मुझे लगता है 8.5 या 9 स्टार्ट होने के एक वीक पहले ऐसे कुछ मैंने परी को वॉकर लेके दिया। क्योंकि परी 8 मंथ में रांगने लगी थी अच्छे से और फिर 15-20 दिनों में वो अच्छे से रांगने लगी और वो खड़े होने की कोशिश करने लगी, वो दीवार को पकड़ पकड़ के खड़ी होने लगी। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मैं परी को अभी वॉकर ला के दूँ। तो जैसे मैंने कहा मैंने बहुत कुछ सर्च किया ला कर दूँ नहीं दूँ, हाँ नहीं हाँ नहीं चल रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं ला कर दूंगी। तो वॉकर अगर हम ला कर देते तो उससे ये होता है कि अगर हम वॉकर ला कर देते ना तो बेबीज क्या होता है ना, वो खुद ब खुद अपने पैर उठाने की कोशिश करते। जैसे कि अगर पहले 1-2 दिन परी ने भी कोशिश नहीं की, उसको अगर वॉकर में डाल दे वो वहीं पे बैठी रहती थी सिर्फ, उसको नहीं पता था कि अगर मैं पैर उठाऊंगी तो मैं चल सकती हूँ इसके सहारे, मुझे सपोर्ट है, मैं गिरूंगी नहीं। ये उसने ये मतलब उसको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको समझ आया तो वॉकर लेके पूरे घर में घूमने लगी, जैसे कि आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो बेबी उससे ना वो पैर उठाने की कोशिश करते। तो जब मैंने परी को वॉकर ला कर दिया ना, तो मैंने क्या किया, परी को मैं पूरा दिन वॉकर में नहीं रखती थी, सुबह थोड़ा टाइम, दोपहर को थोड़ा टाइम और रात को थोड़ा टाइम वॉकर में रखती थी। तो अगर आप अपने बेबीज को वॉकर लाकर देना है कि नहीं देना ये सोच रहे तो लाकर दे सकते, लेकिन उसके लिए आपको ये कोशिश करनी होगी कि बेबीज वॉकर के ऊपर डिपेंड ना हो। जैसे कि मैंने ये किया, फिर सुबह परी को थोड़ा टाइम दे दीजिए वॉकर, दोपहर को थोड़ा टाइम और रात को थोड़ा टाइम। और जब मैं परी को वॉकर से बाहर निकालती थी उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ के, उसकी उंगलियां या हाथ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश करती थी। जब हम बेबीज को हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं ना तो उनको ये पता ही रहता है कि भाई पूरा टाइम मुझे उसमें नहीं बैठना है, थोड़ा बहुत अपने आप भी कुछ करना है। अब देखिए अगर हमारे पास बाइक रहती या गाड़ी रहती तो हमें अगर नाके पे भी जाना होना तो फिर हम गाड़ी से ही जाते या गाड़ी से ही लेके जाते कि भाई चलो क्यों इतना दूर चल के जाए ना, तभी हमें इतना पास वाला नाका भी दूर लगता है।
लेकिन अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होना तो हम वहीं पे चल के जाते कि यार पास में तो जाना है, तो वैसे ही रहता है। बेबीज को हमारे पास तो फिर बेबीज चलने की कोशिश नहीं करते, अगर उनको एक बार आदत पड़ गई तो आप स्टार्टिंग से जब से आप दे रहे ना तब से ये कोशिश कीजिए कि उसको पूरा टाइम वॉकर में सुबह थोड़ा टाइम रखे, दोपहर को थोड़ा टाइम, शाम को थोड़ा टाइम। तो मैंने वही किया, तो जब मैं परी को वॉकर से बाहर निकालती थी ना तो उसके बाद जब भी मेरे पास टाइम रहता था, मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ कुछ भी, लेकिन मैं जब भी फ्री हूँ तो मैं उसको हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करती थी, या अगर वो वॉकर से बाहर निकल गई ना तो वापस मैं उसको वॉकर में नहीं बैठानी थी, वो कितना भी कहे वो वापस वॉकर के पास भी जाए तो भी नहीं, तो वह बराबर दीवार को हाथ पकड़ पकड़ के खड़ी होने की कोशिश करती थी। तो उसको ये पता चल गया अभी कि मुझे वॉकर में थोड़ा टाइम बैठना है, थोड़ा टाइम खुद भी चलना है। अगर मैं परी को 24 घंटे वॉकर में बैठा के रखती, मतलब कि जितना टाइम वो देख रही, और परी बहुत कंफर्टेबल थी पहले वॉकर में, अभी नहीं है, उसका रीजन मैं आगे बताती हूँ क्यों नहीं है। तो परी बहुत कंफर्टेबल थी, उसको वो बस टीवी देखती थी बैठे बैठे, उसको अगर कुछ खिलाया तो वो उसी में खा लेती थी, तो वो बहुत कंफर्टेबल थी। मेरे लिए भी बहुत अच्छा था क्योंकि परी फिर उसी जगह पे बैठे बैठे देख रही, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैंने वो नहीं सोचा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परी को उसकी आदत नहीं डाली थी, तो मैं टाइम लगा के दिया। अगर मैंने परी को 7 बजे रखा है वॉकर में तो 10-15 मिनट 20 मिनट या फिर आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, फिर उसमें से मैं निकाल के उसको खेलने के लिए छोड़ देती थी। फिर अगर उसको फिर भी खड़ा होना हो तो वो अपने हाथों से पकड़ पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करती थी, या अभी तो पहले हमारे हाथ खुद भी खुद हाथ उंगलियां पकड़ती और हमें बोलती चलाओ मुझे, ऐसा करने लगी है। तो फिर हम उसको, अगर उसको चलना हो हम वहाँ पे हो तो हम उसको चलाते थे या फिर वो खुद ब खुद चलती थी। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो बेबीज को वॉकर की आदत नहीं पड़ जाती कि मुझे वॉकर के सहारे ही चलना है, ऐसा नहीं होता, फिर बेबीज अपने आप चलने की कोशिश करते। तो अगर आप अपने बेबीज को वॉकर देते हैं और आपको ये पता है कि आप उनसे वो आदत छुड़वा सकते हैं तो ही दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि बेबी को अगर वो पता चल गया कि हमें सपोर्ट है तो वो उसी के सहारे चलेंगे, वो खुद ब खुद चलेंगे नहीं। तो मैंने वही किया कि स्टार्टिंग से परी को वॉकर थोड़ा थोड़ा ही दिया, मतलब सुबह शाम रात को ऐसे थोड़ा थोड़ा ही दिया, पूरा टाइम कंटिन्यू उसको वॉकर में नहीं रखा, ये एक बात। अब दूसरी बात कि वॉकर अभी बहुत क्वालिटी में आते हैं, मतलब कि 300 रुपए से लेकर 3000 तक आते हैं। तो जब मुझे परी को वॉकर लेने का टाइम आया ना तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे वैरायटी चेक की, ऑनलाइन भी चेक की, आसपास दुकान में जाके भी देखा, और जो मैंने परी को वॉकर लिया ना उस टाइम पे मुझे ये भी क्वेश्चन आया, ये भी आया था कि इस वॉकर से बच्चे गिर जाते हैं, तो हाँ परी भी बहुत बार गिरी उसमें से, क्योंकि बच्चे वो उल्टा होने की कोशिश करते हैं और वो गिर जाते, तो परी भी गिरी इसमें से। और दूसरी बात भी ये भी अभी मुझे पूछ रहे कि परी का वॉकर मैंने कितने में लिया, तो वो मैं आपको बता दूँ। तो जब ये आई ना बाकी कौन सा लो, तो 3000 तक का भी मैं ले सकती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकती हूँ, परी के लिए मैंने बहुत कुछ चीजें से ली। लेकिन परी को मुझे वॉकर सिर्फ 2 से 3 महीने देना था, या जब तक अभी परी प्रॉपर चलने नहीं लगती ना तब तक ही देना है, उसके आगे नहीं देना है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे एक्चुअल में परी को वॉकर देना कितना टाइम तक है, 3-4 महीने, क्योंकि बच्चे 2-3 महीने में तो अच्छे से चलने सीख जाएंगे, परी 8.5 महीने से चलने, मतलब चलने की, खड़ा रहने की कोशिश करने लगे फिर चलने की, तो वैसे वो और 2 महीने में वो प्रॉपर चलने लगेगी, मतलब कि मुझे लगता है परी जब परी का फर्स्ट बटे आएगा तब तक तो परी प्रॉपर चल जाएगी अपने आप। तो फिर अपने आप वो अभी भी चल लेती है, लेकिन वो मतलब अच्छी सी चलने लगी नॉर्मली हम लोगों जैसे। तो फिर मुझे मैंने ये सोचा कि मुझे परी को वॉकर कितना टाइम तक देना है, तो मुझे परी को वॉकर सिर्फ 2-3 महीने या 4 महीने देना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। फिर मैंने बहुत ज्यादा महंगा लेने की कोशिश नहीं की कि अगर महंगा लेते हैं तो हम उसका यूज भी उतना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं भी वही करूंगी ना, अगर मैंने बहुत महंगा लिया तो मैं सोचूंगी ना कि मैं भाई उसमें रखूँ ना उसको, या उसका यूज करूँ बहुत ज्यादा। अब मेरे पास और दूसरे कोई बच्चे नहीं कि मैं उनको दूंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मुझे सिर्फ परी के लिए सिर्फ मुझे लेना था, तो मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब कि बहुत महंगा वाला नहीं लिया, ऐसा लिया कि वो थोड़ा बेटर है। तो जैसे मैंने कहा 300 से लेके 3000 तक भी थे, तो मैंने जो परी को लिया वो 550 या 600 का था वॉकर, उसमें सिर्फ म्यूजिक थे, और ऐसे बहुत सारे आते जिसमें खिलौने लगाए हुए रहते हैं या कुछ अलग रहते हैं, या वो ऊपर नीचे होने वाले रहते हैं, मतलब कि छोटे मोटे बहुत अलग अलग रहते हैं। मतलब खिलौने से ज्यादा परी को म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप ये देख कर लीजिए कि आपके बेबीज को किस में इंटरेस्ट है, वो अगर खिलौने में इंटरेस्टेड है तो आप उस तरह के लेके दीजिए। परी को म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको अगर कुछ बजता है ना म्यूजिक तो वो उसमें ज्यादा रिएक्ट करती है। तो फिर मैंने म्यूजिक वाला जो रहता है ना वो वाला लिया था परी को,
तो जैसे मैंने कहा वो 550-600 के आसपास आया था, वो मैंने यही के पास के शॉप में जाकर लिया था। ऑनलाइन में देखे थे बट ऑनलाइन इसी की प्राइस बहुत ज्यादा दिखा रहे थे, 850 दिखा रहे थे, इसलिए मैंने शॉप में जाकर लिया, तो वहां पे वो मुझे अच्छा पड़ा। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ पर को 4 महीने देने थे, मतलब 3-4 महीने के लिए लेना था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा महंगा नहीं लिया। तो जो मैंने परी को वॉकर लिया ना, वैसे 300 वाला भी था वो, उसमें ना खिलौने भी नहीं, कुछ भी नहीं था, बस वो बजा पर उसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया थी, मतलब कुछ भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो नहीं लिया मैंने, ये वाला लिया 550-600 वाला। तो ये वाला जो है ना, इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी, और ये ना 1 महीने तक बहुत अच्छे से रहा, बहुत अच्छे से, और उसके म्यूजिक अभी भी बजते, बट उसका सीट जो है ना वो फट गया कभी, मुझे लगता है 1 महीने के बाद। तो उसको ना अभी मैंने जुगाड़ किया कि उसको मैंने एक मेरा जो स्कार्फ था वो लगाया, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, एक ब्लॉग में, कि मैंने परी के वॉकर में जुगाड़ किया। तो वो मैं मतलब उसका बेस्ट पार्ट ये रहा है, पर क्योंकि वो जब उसका वो सीट फट गया है ना, तो उसके बाद परी को हम उसमें ज्यादा नहीं बैठाने लगे, पहले जैसे सुबह दोपहर शाम को 3 बार हम आधा आधा घंटा बैठा देते, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, वो अभी कम। तो परी को अभी हम उसमें ज्यादा नहीं बैठाते, ज्यादा से ज्यादा दिन में 1-2 बार ही बैठाते, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन वो जब 1 महीने के बाद फटा, मतलब कि 8.5 से 9.5 महीने के बाद, तो उस टाइम पे परी अच्छे से खड़े होकर खुद ब खुद चलने की कोशिश करने लगी थी, मतलब वो खड़ी भी ले लेती, अभी परी चल भी लेती। जो एक मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें परी सिर्फ 4 कदम चली थी पहली बार, अभी परी 8 से 10 कदम चल लेती है। तो जब वो 1 महीने के बाद फटा ना, तो उसमें जुगाड़ करके वो परी उसमें बैठ सकती बहुत कंफर्टेबली, वो उतना ही अच्छा है जितना पहले था, क्योंकि उसको मैंने स्कार्फ से इतना अच्छे से उसको मैंने बनाया फिर से। लेकिन हुआ है कि परी को वो आदत छूट गई उस वजह से, क्योंकि वो फट गया था तभी 2-3 दिन परी को हम उसमें बैठाते ही नहीं थे, तो परी की वो आदत छूट गई। और दूसरी बात कि हमें ये डर रहता है कि वो कभी, भले वो स्कार्फ से हमने बनाया लेकिन कभी वो फट ना जाए ना, इसलिए हम भी उसको ज्यादा नहीं बैठाते जितना पहले बैठाते थे, दिन में 1-2 बार ही सिर्फ बैठाते, वो भी 10-15 मिनट या आधा घंटा, तो दिन में 1 ही बार बैठाते। तो उसका बेस्ट पार्ट ये रहा कि परी को, मतलब वो फटा इस वजह से उसको आदत नहीं पड़ी, और अभी परी उसमें बैठती है बट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा टाइम बैठती है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि परी को मैंने वॉकर 8.5 महीने से दिया, कितने का लिया था ये पूछा, तो मैं परी का जो है वो 550-600 के आसपास है, ऑनलाइन पे उसकी प्राइस ज्यादा है, बट लोगों शॉपिंग से आप लेंगे तो अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बट सीट इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, आप थोड़ा देख कर लीजिए अगर आप लेने वाले हो तो। और अभी और मैं परी को कितना टाइम वॉकर दूंगी, तो परी जब ना, अभी कैसे परी अभी 2-4 कदम चल के फिर वो गिर जाती है, मतलब जब बैठ जाती है, गिरती मतलब बैठ जाती वो, तो 2-4 कदम ही चलती फिर बैठ जाती, ऐसा हो रहा है ना, तो मैं अभी और थोड़ा टाइम दूंगी, आधा 15 दिन या फिर 1 महीना और दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी। तो एक बार अगर परी का ये हो गया कि वो खुद ब खुद चलने लगी प्रॉपर, जैसे हमारे जैसे कि वो यहाँ से बेडरूम से हॉल तक आ सकती है, या हॉल से बेडरूम तक आ सकती है, या उसको जहां तक जाना है वो वहां तक जा सकती है, ऐसा हो गया तो मैं परी को वॉकर नहीं दूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वॉकर के लिए, मतलब परी के लिए वॉकर का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो वॉकर मैंने लिया ना, वो मुझे अभी उल्टा, जब वो फटा था तब लगा था यार क्या 1 महीने में फट गया, बट अभी मुझे लगता है वो बेस्ट पार्ट रहा, अगर वो फटता नहीं तो उसको मैं और परी को उतना ही टाइम बैठाती जितना मैं पहले बैठाती थी, तो हो सकता था परी को आदत नहीं भी पड़ती, बट वो उसके वजह से और कम हो गई, और अभी परी बहुत ज्यादा वॉकर में नहीं बैठती, दिन में 1-2 बार सिर्फ बैठती है, और वो अपने आप चलने की कोशिश करती है, अगर जो उसको उठना हो तो वो कुर्सी को पकड़ के उठ लेती है, खड़ी हो जाती है, या हमारे विंडो को पकड़ के, या अगर उसको चलने की इच्छा हो ना तो डायरेक्ट हमारी उंगलियां मांगती है, हमारे हाथ मांगती है, ऐसे आती है हाथ पकड़ती है, ऐसे उंगली पे पकड़ती है, वो खड़ी हो जाती है, तो उसको अपने आप चलने की आदत अभी लग रही है। अभी इसको वॉकर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप दे रहे हो तो ये कोशिश कीजिए कि उन बेबीज को उसकी आदत ना हो, बेबी वॉकर के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसको वो नहीं लगे कि वो मतलब कंफर्टेबल ना हो जाए कि सपोर्ट है मेरे लिए तो मैं उसमें चलूं। आप उनको मतलब नॉर्मली भी चलाइए, वॉकर में थोड़ा टाइम रखिए फिर थोड़ा टाइम खुद ब खुद चलाइए, बाद में अगर बेबीज बार बार वॉकर मांग रहे तो फिर दीजिए मत, अगर आप मतलब एक टाइम रखिए कि बेबी को वॉकर में कितना टाइम रखना है, जैसे कि हम बेबीज को टीवी के लिए आदत रखते हैं कि टीवी हम टीवी या मोबाइल बेबीज को हम आधा घंटा ही दिखाएंगे या दो थोड़ा टाइम ही करेंगे, ये जो हम कुछ चीजों का टाइम रखते हैं उसी अकॉर्डिंग वॉकर का रखिए, क्योंकि
वॉकर बाकी के मतलब खिलौने जैसा नहीं ना, कि अगर आपने बेबी को खिलौना ला कर दिया उसके साथ वो कितना भी खेले, अगर बेबी आपका समझिए कि 2 साल का भी होगा फिर भी वो अगर वॉकर के सहारे चल रहे तो वो थोड़ा चिंताजनक बात हो सकती है ना इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपका अगर आपके मन में अगर क्वेश्चन हो कि बेबी को वॉकर दे कि नहीं दे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर दे रहे तो किन चीजों का ध्यान देना चाहिए वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बेबी रिलेटेड वीडियोज लेकर आती हूँ। इससे पहले मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर किए, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने फोल्डर बना के रखे अलग अलग, जिसमें प्रेगनेंसी वीडियोज है, बेबी केयर है और भी बहुत कुछ है, जो भी आपको देखना होगा आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।